अब जीवन को मैं समझा हूं, आपको समझाने का प्रयास यहां से शुरुआत होता है। इस प्रक्रिया का नाम दिया है जीवन विद्या। पहले आपको ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं, जीवन में समानता नित्य विद्यमान है। जीवन क्या चीज है, कुल में जीवन क्या चीज है, इस बात को हर व्यक्ति जानना चाहता है, मानना चाहता है। उसका जानने मानने के बाद उसका परिणाम फलों को प्रमाणित करना चाहता है, ये इसका मूल उद्देश्य है। जीवन एक ऐसा वस्तु है, ये भौतिक अभौतिक दोनों नहीं है, जीवन परमाणु ही है। भौतिक रूप में परमाणु में जो कुछ भी मिलते हैं, संसार में अभी तक मिला है, वह सब परिणामशील है। परिणामशीलता का मतलब है जिस उन परमाणुओं में अंशों का, उसमें समाहित अंशों का और विस्थापन होना भी पाया गया है और उसमें प्रस्थापित होना भी पाया गया है। जैसा ही परमाणु में निहित अंशों का संख्या परिवर्तित होता है, वही परिवर्तन है और कोई परिवर्तन नहीं है संसार में। दूसरे प्रकार की कोई परिणाम होते ही नहीं है। दूसरे प्रकार की कोई परिणाम को आदमी घटित कर नहीं पाएगा। आदमी घटित कराएगा तभी भी परमाणुओं में निहित अंशों का प्रस्थापन ही होगा, माने वृद्धि होगी, विस्थापन होगा यानी उसमें से अंशों का घटना होगा। जैसा ही संख्या घटा उसका प्रजाति घट गई, उसी को हम परिणाम कहते हैं। ये बात दृढ़ पूर्वक हम सबको समझ में आना चाहिए। शायद है इसमें ना कोई विज्ञानी को अज्ञानी को तकलीफ नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी को भी नहीं है, दोनों को इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा अनुग्रह होता है जीवन को समझा जा सकता है। उसके बाद जो जीवन सब में जीवन की समानता है, किस माने में, गठन पूर्णता के अर्थ में। क्या वो गठन पूर्णता बवाल, ये की बवाल है, उसमें ना तो विस्थापन होता है ना प्रस्थापन होता है, इतने ही छोटा सा काम, इतनी छोटा सा काम को हम तिल में ताड़ बना, तिल को ताड़ बना करके हम समझे नहीं हैं, हम समझने को प्रयत्न नहीं कर पाए हैं। यह अपने बलिहारी है कि दूसरे की बलिहारी है, ये सोचने की बात। जैसा ही परमाणु में जो परिवर्तन होने वाली जब तक स्थितियां आती हैं, उन परमाणुओं का एक कतार है। उन कतार में ये भी पाया गया है, ये भी देखा गया है, ये भी समझा गया है कि कुछ संख्या तक, संख्यात्मक परमाणु प्रजाति तक लगता है इन परमाणुओं में संख्या अंशों की आवश्यकता बनी हुई है। उसका नाम दिया है भूका परमाणु। दूसरा, वहां से दूसरे जगह में जाते हैं, कई ऐसे कतार से कई संख्यात्मक परमाणु ऐसे हैं जिनमें से कुछ अंश बहिर्गत होना चाह रहे हैं, उसका नाम दिया है अजीर्ण परमाणु। इस ढंग से अजीर्ण परमाणु कुछ संख्यात्मक प्रजाति में मिलते हैं अस्तित्व में, और भूखे परमाणु कुछ संख्यात्मक परमाणु प्रजाति के रूप में मिलते हैं, ये समझ में आता है। ये अजीर्ण और भूखे की जो भाषा प्रयोग किया, ये मानव से संबद्ध। मानव भूखा तभी होता है, भूखा जब कभी भी होता है तब तब वो तृप्त होने के अर्थ में ही होता है। जब जब अजीर्ण को अजीर्णित हो जाता है वो भी तृप्त होने के अर्थ में ही रहता है। क्या बात, ये सोचने की बात है, समझने की बात है। आदमी जब कभी अजीर्ण की पीड़ा का शिकार होता है, वो कहीं ना कहीं तृप्त होने के अर्थ में ही है, और यदि भूखे का यदि पीड़ा से पीड़ित होता है
तभी भी तृप्त होने के अर्थ में। ये दोनों कतार किसी तृप्त परमाणु के वो संकेत करते हैं। वो तृप्त परमाणु है गठनपूर्ण परमाणु। ये गठनपूर्ण परमाणु ही है जो कि चैतन्य इकाई। चैतन्य इकाई का नाम कैसा दे दिया? क्योंकि संज्ञानशीलता को, संवेदनशीलता को पूरा का पूरा प्रमाणित करने का ताकत जीवन में ही है। ठीक, तो जीवन के अभाव में जो शरीर यदि रचित भी कर लें तो भी ना तो संवेदनशीलता को प्रमाणित करेगा, संज्ञानशीलता तो दिल्ली दूर है ही। ठीक है, इस ढंग से मनुष्य संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता इन दोनों को प्रमाणित करने के क्रम में ही व्यवस्था में जीना बनता है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना बनता है। छोटा सा काम, एक छोटी सी घाट है ये यदि आदमी के हाथ में आ जाता है। उसके पहले आप बताए, हम तभी सार्थक मानेंगे आप जब समझ गए हमारा समझाना सार्थक हुआ। वो कब प्रमाणित हुआ? जब आप दूसरों को समझा लेंगे, तब तक तो हम सार्थक नहीं मानते हैं, प्रमाण नहीं मानते हैं। आपको समझाते तक हम पहुंचते हैं तब अपने को सार्थक मानते हैं, आप दूसरों को समझाया तब उसको प्रमाण मानते हैं। यह हमारा सोचने की तरीका है। इसमें आप लोग जहाँ तक मैंने सम्मत होते हो नहीं होते हो, इस बात को आप ही को सोचना है, मूल्यांकन करना है। ठीक हो, चैतन्य इकाई अपने आप में व्याख्या सूत्रित व्याख्यायित है जो संज्ञानशीलता संवेदनशीलता को प्रमाणित करना है। संवेदनशीलता को जीवावस्था के जीव जानवर सब प्रमाणित कर गए। और मानव ये कैसा फंसा हुआ है, यह संज्ञानशीलता को प्रमाणित किए बिना ये स्वस्थ हो नहीं सकता। चाहे अपन कितने भी तरीके से सिर कूट लें, अंततोगत्वा सिर कूटना ही हाथ लगेगी। और मैंने जो मानव चाहता है वो मिलेगा नहीं। अब चाहता क्या है भाई? मानव चाहता सुखी होना चाहता है कुल मिला के। सुखी होने के लिए कभी हम सोचते हैं संग्रह से सुखी हो जाऊंगा, सुविधा से सुखी हो जाऊंगा, कभी तप से सुखी हो जाऊंगा, कभी जप से सुखी हो जाएंगे, कभी योग से सुखी हो जाएंगे, उससे हो जाएंगे, इससे हो जाएंगे। इसी प्रकार हाथ पैर कूट ही रहे हैं, हाथ पैर पटक ही रहे हैं। तो सारा इस धरती के 700 करोड़ आदमी भी किसी न किसी प्रकार से, इन सभी किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में वो सुखी होने की तड़प में आई है, ऐसा मेरा स्वीकारना है। अब सुखी होने के लिए मैं जैसा सुखी हुआ उसका आधार समझदारी से हूँ। समझदारी के से पहले हम सुखी होना हम प्रमाणित नहीं किए थे, सुखी होना हम स्वयं माने भी नहीं थे, सुखी होने का संभावना है ये भी हम नहीं माने थे ना समझे थे। तो समझदारी के बाद ही ये सब उपजा। इसी आधार पर मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति समझदार होने के आधार पर ही सुखी होता है। सुखी होने का एक ही बात है, सही में हम मैंने एक हैं मानव, गलती में अनेक है। ना समझी से गलती होती है, सही से कोई गलती होने का चांसेस ही नहीं। इस ढंग से हम एक वाक्य में आ सकते हैं। इसके लिए समानता की वस्तु को पहचानने की आवश्यकता थी। तो इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है तो सही को ले करके धारक वाहक बन करके दौड़ता है वो चीज़ मुझको समझ में आया है, वो है जीवन। जीवन जब अपने समझदारी के साथ जीता है हर जगह में समाधान को प्रस्तुत करता है। समाधान के साथ हर व्यक्ति सुखी होता है, समस्या के साथ दुखी होता है। यह आपका हमारा सबका देखा हुआ लेखा जोखा है। समाधान के जीना ही है समझदारी का मतलब, ये बनता है। समझने वाला वस्तु जीवन है, वो भी जीवन कहा मानव शरीर को चलाता हुआ मैंने जीवन। आप हम कुछ भी बैल को, गाय को, भैंस को जो कुछ भी सिखाए वो सब संवेदनशीलता के अर्थ में है,
मारे पीटे और उसको चलने को सिखा दिया, दाना पानी दिए और जो तोता को बोलने को सिखा दिए। ये सब संवेदनशीलता के आधार पर जानवरों को, जीवों को कुछ सिखाया जा सकता है। उस वो सब तो आदमी कर चुका है, उसमें कोई खास बात नहीं। अब आदमी स्वयं क्या कैसा एक दूसरे को समझाया जाए, ये मारे पीट करके मार पीट करके तो किसी को कोई ने समझा नहीं पाया, ठीक है। मार पीट करके यही है, भाई पैदा किया और जो आजीविका की भय से आदमी जितना देर यंत्रित रहता है उतने देर तक यंत्रित रहता है, उसके बाद भय का कवच को उतार के रख देता है। ये तो नेति विधि से ये पाए गए। आज जिसको हम भयभीत करके अपने आजीविका के आजीविका को सुगम बनाने के लिए, उनके आजीविका को आजीविका के में भरोसा दिलाने के लिए हम जितने भी भयभीत किया, वो कुछ दिनों बाद वो सब टूट फूट गया। इसका गवाही है विगत में गुजरी हुई दासयुग। दासयुग की दासयुग में दिया गया यंत्रणाएं, भोगा गया यंत्रणाएं और उसके उसके बाद दासयुग से मुक्ति होना भी इतिहास में अंकित है। इस ढंग से हम इस बात की मूल्यांकन कर सकते हैं तो हम भयभीत करके कोई सही जगह में जाने की जगह नहीं है। यदि जगह है तो संवेदनशीलता की जगह में है। संवेदनशीलता में भय और प्रलोभन होता ही, भय और प्रलोभन के आधार पर ही हम अभी जितने भी राष्ट्र कहते हैं, जितने भी धर्म कहते हैं, जितने भी प्रौद्योगिकी व्यवस्था कहते हैं, ये व्यापार संस्था कहते हैं, ये सभी का सभी भय और प्रलोभन को केंद्र में रख करके अपने को व्यवस्था देने की दावा करते हैं, जबकि ना भय व्यवस्था होता है ना प्रलोभन व्यवस्था होता है। छोटी सी बात, यदि ये स्वीकार होता है हो क्या, होना ये चाहिए निरंतर जो मनुष्य के पास मूल्य और मूल्यांकन होना चाहिए, मूल्यों को पहचानने की विधि चाहिए, मूल्यांकन करने की टेक्निक चाहिए। ये दोनों चीज़ हमारे पास रहने से निरंतर समाधान की परंपरा चलेगी। मूल्यों को समझ, मूल्य जो है ना समझदारी के आधार पर बात की है, मूल्यांकन भी समझदारी का ही प्रक्रिया है। ये शरीर की शारीरिक आंतरिक प्रक्रिया नहीं है। अभी विज्ञान का जोर जुलूम यही है सभी को यांत्रिक होना चाहिए, ये भावुक नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यांत्रिक होना चाहिए भावुक नहीं होना चाहिए, तो इसी में यांत्रिकता में भय और प्रलोभन से जूझे रहो और भय और प्रलोभन की जूझते जूझते तो वो जो विद्या जो बनी विज्ञान विद्या, तो ये धरती को ही बर्बाद करने की जगह में आए। मानव परंपरा रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। यांत्रिक विधि से क्या हो गई, ये धरती रहेगा नहीं रहेगा इसी में प्रश्न चिन्ह आने लगे, जिसको विज्ञानी लोग खुद ही बोलते रहते हैं, पेपरों में हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। ये सब बीती गुजरी हुई घिसी पीटी बात है। तो इन आशयों को यदि हम हृदयंगम कर पाते हैं तो तब अपने में एक जिज्ञासा जन्म भी सकता है। आखिरकार कोई समस्या है तो समाधान भी तो होगा। समस्या समस्या के लिए कुछ होता नहीं है, कितने भी समस्या को इकट्ठा करो तो समाधान तो होता नहीं है। समस्या से समस्या ही है और कुछ होता नहीं, पता चल गई तो समाधान हमको चाहिए, समाधान के बिना राहत नहीं है। इसीलिए समाधान पाने के लिए मूल्य और मूल्यांकन की जरूरत है। मूल्य और मूल्यांकन विधि से व्यवस्था को समीकरण करने वाली पद्धति को हमें विकसित करना है, ठीक है। इस ढंग से मानव अपने जीवन संबंधी जीवन को केंद्र में रखकर जीवन संबंधी जीवन तृप्ति संबंधी सारे बातों को समझकर यदि व्यवस्था को समीकरण करेंगे हम सफल हो जाएंगे। यदि जीवन को भुलावा देकर शरीर के अर्थ में हम जितने भी व्यवस्था देते हैं, ये जितना व्यवस्था देंगे उतने में और अव्यवस्था पैदा होता है। व्यवस्था देने के लिए भी हमको अव्यवस्था करना है, इस जगह में हम आ गए हैं। इसीलिए इस छूत से, इस अभिशाप से, इस प्रवृत्ति से हम छुटकारा पाना संभव है। कैसे संभव हुआ, पहले मुद्दा क्या हुआ,
आप हमारे में सब में जीवन समान रूप में कार्यरत है, ठीक है। तो शरीर को जीवंत बना के रखता है, फलस्वरूप ठंडा गर्मी अच्छा बुरा यह सब हाथ पैर कान नाक से हम पहचानते हैं, और जो अच्छा को स्वीकारते हैं अब बुरा को बहिष्कृत कर देते हैं, ये सब करते हैं। यही किया जा सकता है, और कुछ किया भी नहीं जा सकता, इतना तो करे आए हैं। अब होना चाहिए, होना चाहिए क्या, अच्छा होगा कैसा, अच्छा होने का प्रमाण क्या है, इस जगह में आना है। अच्छा लगने से अच्छा होता नहीं है, ये तो बात होगी, हो ही गया। क्योंकि ठंडे अच्छा लगता है सदा ठंडे में रहो, ऐसा होता नहीं है। गर्मी अच्छा लगता है गर्मी में सदा पड़े रहो, ऐसा भी होता नहीं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा शरीर की कृति नहीं है जो सतत बनाए रखो, ऐसा होता नहीं, बारंबार बदलना ही। इस आधार पर मनुष्य को ये सद्बुद्धि की आवश्यकता है। हम जीवन के आधार पर हर बात को निर्णय लेने की एक सद्बुद्धि की आवश्यकता है। जीवन सब में है, समान है, और जीवंत मनुष्य में, और जीवन का ताकत समान है। कैसे, शक्ति और बल के रूप में। जीवन शक्ति और जीवन बल दोनों अक्षय है, ये कभी मिटने वाला नहीं है, निरंतर शक्ति बल बहता ही रहता है। ये घटना ही नहीं है तो फिर क्या क्या तकलीफ है। तो कैसा घटता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई परिणति होना नहीं है। जीवन परमाणु में जो शक्ति है वो उतना बराबर बरकरार रहता ही है, कितना बल है वो उतना बल बरकरार रहता ही है। इसी का नाम है अक्षय शक्ति अक्षय बल। तो ये दो शब्द से क्या मतलब है, मतलब ये है शक्ति गति के रूप में प्रमाणित है, और स्थिति में बल प्रमाणित। इसका गवाही हर मनुष्य है। मनुष्य अपने को मेरा होना स्वीकारता है, मेरा होना ना स्वीकारता है ऐसा कोई मनुष्य मिलता नहीं है। यदि मिलता है तो मृतक रहेगा, बेहोश रहेगा, रोगी रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, ऐसा स्थिति रहेगा। स्वस्थ मनुष्य हर व्यक्ति अपने को होना स्वीकारता है, होना ही वर्तमान है। वर्तमान में ही हर वस्तु का अध्ययन, उसी क्रम में वर्तमान में जीवन सब में समान है, और बल और शक्ति समान है। तीन बात हो गई, चौथा बात है जीवन का लक्ष्य एक ही है। आपका हमारा ये जितने भी 700 करोड़ आदमी इस धरती पर है सबका लक्ष्य एक ही है, वो है सुखी होना। इन चार बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ऐसे इकाई का नाम है चैतन्य इकाई जीवन गठन पूर्ण परमाणु। ये तीनों बात समझ में आना चाहिए। अब इसको कौन बनाता है, दूसरी ओर ये भी बात आती है। अभी तक कोई बनाने वाला बिगाड़ने वाले की झंझट अभी तक बना ही है, उसी के आधार पर मनुष्य भी सोचता है हम भी बना सकता हूँ बिगाड़ सकता हूँ, यही विज्ञान का मूल आधार है। तो बनाने बिगाड़ने की झंझट में पड़ने के कारण से हमारे में काफ़ी कुंठाएं आ चुकी। हम कुछ लोग कहते हैं हम ये कर सकता हूँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं कर सकते, ठीक। जैसा एटम बम बनाना, कुछ लोग कहते हैं कुछ देश कहते हैं कि हम बना सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ देश कहते हैं हम नहीं बना सकते हैं। ये दोनों बात हो सकता है नहीं हो सकता है वाला बात दोनों चल ही रहा है, इसीलिए ये समानता का कोई अर्थ नहीं हुआ। समानता का अर्थ होता सब कोई बना ही लेते, घर घर में आटम बना लेते, घरे में फोड़ लेते, मर जाते सीधा सीधा, वो बना नहीं सकते। तो क्यों बना नहीं सकते हैं, इसका ये कि है सह अस्तित्व विरोधी है, इसलिए नहीं बना सकते। इसका कारण क्या है, सह अस्तित्व विरोधी है। अस्तित्व जो है सह अस्तित्व सहज है, सहजता से भिन्न हम कुछ भी करते हैं कहीं ना कहीं उसका विरोध होता ही है। अधिकांश लोगों में इसका विरोध रखा ही है, ये आपको भी इसका गवाही मिल चुकी है, हमको भी मिल चुका है, इस पर अपने को यकीन करना चाहिए। ऐसे जो मनुष्य का समानता का वस्तु जो कुछ भी मिली है, आहार आवास अलंकार संबंधी वस्तुओं के बारे में हम अभी तक पहुंच चुके हैं, इसमें समानता अवश्य मिलेगी। इन समानता के आधार पर हम अच्छे ढंग से जो इसको लोगों के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश किया, इसमें इसके साथ अभिशाप बने व्यापार, व्यापार हो गया लाभान्वादी,
लाभान्वादी होने के कारण से ज्यादा कम वाला पिशाच पीछे पड़ गया। एक आदमी सोचता है ज्यादा है, एक आदमी सोचता है कम है, और कम और ज्यादा का झगड़ा बना ही रहेगा। और विज्ञान ये मानता ही है कि झगड़ा करना ही करना है, इसलिए ज्यादा कम को बरकरार रखना ही है। ऐसा हो गया, इस झंझट में आदमी कहीं जीने की स्वस्थ रूप में जीने की जगह मिलेगा नहीं। इसीलिए स्वस्थ रूप में जीने के लिए हर मनुष्य को मूल्य और मूल्यांकन विधि से जीने की तरीका लाना ही होगा। उसका पहला चरण क्या है? समझदारी है, ठीक है। दूसरा चरण है ईमानदारी, तीसरा चरण है जिम्मेवारी। इन तीन चरण में मानव अपने समझदारी को प्रमाणित करना, पुनः प्रमाणित हो करने के लिए वह संबल को जुटाना, ये दोनों चीज जुड़ जाता है। इस क्रम को पाने के लिए हम समझदारी का अर्थ में तीन मुद्दा आपके सम्मुख रख चुके थे। पहला है जीवन, दूसरा है अस्तित्व, तीसरा है मानवतापूर्ण आचरण। उसमें से जीवन का स्वरूप के बारे में अभी आपको बताए। इस जीवन समझ में आने पर हमको ये एक सूत्र हासिल हुई, वो है जीवन नित्य है, शरीर जीवन के लिए एक घटना घटता ही रहता है। किस विधि से? जो शरीर का रचना गर्भाशय में होता है, ये घटना बारंबार घटता ही रहता है, और जीवन सदा सदा रहता ही। किस आशय के लिए रहता है? तो निरंतर सुखी होने के आशय में रहता है। सुख को कहाँ प्रमाणित करेगा? मानव परंपरा में प्रमाणित करेगा। इस ढंग से काम है, क्योंकि संवेदनशीलता संज्ञानशीलता को प्रमाणित करने का जो कुछ भी अवसर है, संभावना है और आपूर्ति है, यह मानव परंपरा में ही है और कोई परंपरा में नहीं है। इस आधार पर हम जीवन की समानता को पहचानने की आवश्यकता बनी, क्योंकि हम सही में एक हैं, गलती में आने का। जीवन समझ में आने से, जीवन की समानता समझ में आने से हम सही करने के लिए इच्छुक होना स्वाभाविक है, ठीक है। उसके लिए प्रयत्न करने का पहला मुद्दा है जीवन को समझना। इसका नाम है जीवन विद्या, ठीक है। जो जीवन विद्या में जो पहले जीवन और विद्या दो शब्द हुआ, और विद्या का धारक वाहक जीवन है। विद्या का स्वरूप में तीन भाग होता है, विद्या विद्वता और जो विद्वान, ठीक है। विद्वा विद्या विद्वता विद्वान। विद्या संपूर्ण अस्तित्व ही विद्या है, अस्तित्व में जीवन भी अविभाज्य, ठीक है ना। विद्वता जो होता है वो जीवन में होता है, विद्वान मनुष्य में होता है। ये तीनों बात अपने को पढ़ना चाहिए, विद्या विद्वता विद्वान। असंपूर्ण अस्तित्व ही विद्या है, उसमें जीवन भी समाहित है, ठीक है। तो समझने वाला वस्तु क्या है? विद्वता को संभाल रखने वाला कौन है? जीवन। और उसको प्रमाणित करने वाला कौन है? मनुष्य, जो शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप में रहता है। यह भी इस विधि से मनुष्य का महिमा और जीवन का महिमा, सह अस्तित्व का महिमा अपने आप से स्पष्ट होता है। मुझको ये बात समझ में आया है। सह अस्तित्व की आधार पर ही ये सब महिमाएं उपजी है। अस्तित्व सहज है सह अस्तित्व, सह अस्तित्व सहज है विकास, विकास सहज है जीवन, जीवन सहज है जागृति, ठीक है ना। जागृति उसके लिए दृश्य संसार है, रासायनिक भौतिक रचना विरचनाएं। इस ढंग से ये सब एक दूसरे से अंतर संबंधित घटनाएं हैं। ये सारा घटनाएं नित्य वर्तमान है। रासायनिक भौतिक रचना में रचनाएं ना हो ऐसा कोई क्षण आप नहीं पाएंगे, कोई दिन नहीं पाएंगे, कोई समत नहीं पाएंगे, कोई शताब्दी नहीं पाएंगे। हर क्षण में रासायनिक भौतिक रचनाएं विरचनाएं मैंने बनते रहते हैं।
इस क्रम में इसको इसका जो दृष्टा होता है वो कौन होता है? जीवन होता है। देखने वाला समझने वाला कौन होता है? मन, जीवन होता है। जीवन ही समझता है, शरीर कुछ भी नहीं समझता है। जीवंत जहां नहीं रहता है, जीवन का जीवंतता जिस शरीर की जिस भाग में रहता नहीं है उसको शून्य माना जाता है, शून्य स्थली। उस जगह में गर्मी डालो तो भी समझ में नहीं आता है, ठंडा डालो तो भी समझ में आता है। दूसरा, जो जब कभी भी ये अस्पतालों में ऑपरेशन करते हैं उस समय में कोई बेहोश होने की एक काम देते हैं, दवाई देते हैं, उसको देने के पश्चात वो उसको स्थानीय रूप में भी दिया जाता है, पूरा शरीर भी बेहोश हो जाए ऐसा भी दिया जा सकता है। उस समय में जाए मारो काटो पोल दे कुछ भी कर दे कोई पता नहीं लगता। ये सब तो बात देखी हुई जीती हुई जीता जागता हुआ देखा हुआ बात है। इस आधार पर जहाँ जीवन जीवंतता बनाए रखता है वहीं संवेदनाएं पूरा समझ में आता है। जीवन अपने स्वतृप्ति के लिए जहाँ जिज्ञासु होता है उसके बाद ही जो सत्यता यथार्थता वास्तविकता समझ में आता है, फलस्वरूप जीवन सुखी होने का आधार बनता है। इस ढंग के काम, इस ढंग से हम जीवन को समझने के लिए आवश्यकता बनी, पता लगता है। ये आवश्यकता क्या पैसे वालों को जरूरत है, क्या दरिद्रों को जरूरत है, क्या मोटा तगड़ा पहलवानों को जरूरत है, क्या बड़ी दुबला पतला दुर्बल लूला लंगड़ा को जरूरत है, या हम सोचते हैं तो बड़ी धनी को जरूरत है, क्या निर्धनी को जरूरत है, किसको जरूरत है? पूछा जाए तो क्या निकलता है? हर जीवंत व्यक्ति को जरूरत है, यही निकलता है। तो इसमें दूसरा अपने को सूत्र मिलता है, जीवन विद्या से कोई वर्ग संघर्ष का आधार नहीं है, ये पूर्ण साम्यता का आधार है। अब सबकी शुभ के लिए ये आधार है, सबकी सौभाग्य के लिए ये शुरुआत है, सबकी निरंतर सुखी होने का स्रोत है, समाधानित रहने का प्रमाण है। ये सब चीजें इससे अपने आप से उद्गमित होते हैं। मैं समझता हूँ मानव इसी को चाहता है, ऐसे ही जीना चाहता है, ऐसे ही रहना चाहता है, ऐसे ही खुश रहना चाहता है। इस अद्भुत उपादेयता के साथ हम सबके साथ सुखी से जी सकते हैं, अकेले कोई होता नहीं, ये सिद्धांत आता है। हम ये धरती के संबंध को छोड़ करके सुखी होने का प्रयत्न करें कोई? मानव तो नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। पानी का संबंध को छोड़ करके करो ना भाई सुखी हो जाओ, हो नहीं सकता। हवा का संबंध को छोड़ दे हरियर हो जाएगी, कामे हो जाएगी, तमा, हो नहीं सकता। क्या बात? तो ये इन्हीं चीजों के संबंध को छोड़ करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं, और जीवन संबंध को छोड़ करके कैसा जीवोगे रे? कैसा होगा भाई? कैसा यांत्रिक हो जाएगा? और भावनात्मक संसार से कैसे मुक्ति पा जाएगा? क्या हो सकता है आप ही सोचो, ये कैसा हो सकता है? और भाव का मतलब भी है मूल्य। क्या बात है? अभी आप जाते हो, सभी जाते हैं संसार में, पूछते हैं सब्जी का क्या भाव है, पूछते हैं ना, सोने चांदी की दुकान में जाकर के पूछते हैं क्या भाव है, लोहे की दुकान में जाकर के पूछते हैं क्या भाव है, और अनाज की दुकान में जाकर के पूछते हैं क्या भाव है। हर जगह में भाव ही पूछा जाता है, ठीक है। वो भाव का दृष्टा कौन है? मनुष्य ही होता है, दूसरा कोई होता नहीं है, ठीक है। अब जब आपको लोहे का भाव होगा ये हमको पता है, मट्टी का भाव होगा ये भी पता है, तो घास का भाव होगा ये भी पता है, जब मनुष्य का भाव भी होगा ना? नहीं होगा।
आसानी से होगा, सुख से होगा, प्रसन्नता से होगा। मनुष्य का भाव को पता लगाना ही बहुत आवश्यकी वस्तु रहा, उसको छोड़ करके सबका भाव पकड़ लिया, जिससे लाभ का माने अवसर बना रहता है, वो सभी भावों को पकड़ लिया। मनुष्य का भाव अर्थात मूल्य को समझ लें, लाभ हानि से मुक्त हो जाएगा, ये संकट गहरा जाएगी यदि ये संकट है, सुख है तो अपना लेगा, यदि यही सुख है तब तो इसको अपना लेगा। तो मानव मूल्य समझ में आने की बात, जीवन मूल्य समझ में आने की बात, अवस्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य समझ में आने की बात, हमको लाभ हानि का आवश्यकता शून्य हो जाता है। कितनी बड़ी भारी संसार की छाती का पीपल समाप्त हो सकता है। लाभ हानि से जकड़ा हुआ आदमी ना तो अपना बचता नहीं है, बचते ही नहीं, ना पराया तो बचना ही नहीं, तो लाभ हानि के चक्कर में सबका कत्ल चकनाचूर, ठीक है। इस झंझट से मुक्ति तो इसी विधि से आता है, मानव अपने मूल्यों को समझने में समर्थ होता है। उसके पहले होने वाला नहीं है, हम बहुत बहुत सिरकूटे हैं विविध प्रकार से, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। तो उसका गवाही है साम्यवाद और पूंजीवाद। साम्यवाद भी अंततोगत्वा राष्ट्रीय लाभ के लिए जूझा, लाभ से मुक्त नहीं हुआ, सार संक्षेप। और पूंजीवाद सदा सदा घोषित लाभवादी है, वो तो करता ही है, अब कहाँ से अपन छूटे। इसीलिए तो लाभ हानि से मुक्त होने के लिए मनुष्य अपने मूल्यों को समझने की आवश्यकता, मानव मूल्यों को निर्वाह करने की आवश्यकता आती है। ये कैसे आएगी? जीवन विद्या समझ में आने से, अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में समझ में आने से, और मानवीयता पूर्ण आचरण में विश्वास होने से मानव मूल्य चरितार्थ होता है, इसके पहले होने वाला नहीं। इसी का नाम है समझदारी। मानव मूल्य जब हम चरितार्थ करने शुरू करते हैं तभी हम सही करने में निष्णात होते हैं, पारंगत होते हैं, प्रमाणित होते हैं। जब तक लाभोन्माद से जकड़े रहेंगे या और उन्माद से जकड़े रहेंगे तब तक हमको सही करने का कोई रास्ता मिलता ही नहीं। ये एक छोटी सी घाट है, ठीक है। इन घाट में जूझता हुआ आदमी क्या क्या किया उसका लेखा जोखा हर दिन पेपरों में आती रहती है, उसको आप लोग सब देखते ही हैं, जिससे बहुत लोग रोमांचित भी होते हैं, बहुत लोग सिर भी कूटते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए ऐसा भी रोते हैं, ये सब हमारा देखी हुई बात, ठीक है। इन प्रमाणों इन गवाहियों के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जो है जैसा ही समझदार हो जाता है, समझदार होने के लिए जीवन को समझना है, उस मुद्दे पर और आगे की घाट आता है। जीवन विद्या, विद्या एक शब्द है, जीवन एक शब्द है। विद्या का दो भाग है, जीव ज्ञान और दर्शन, इन दोनों का धारक वाहक जीवन ही है। विद्या का दो भाग में से जो जीवन ज्ञान का मतलब होता है, जीवन जीवन को समझने की प्रक्रिया, इसका नाम है जीवन ज्ञान। जीवन ही जब अस्तित्व को समझने के लिए तत्पर होता है, समझता है, उस क्रिया का नाम है माने दर्शन, अस्तित्व दर्शन, ठीक है। जीवन विद्या, विद्या का माने मतलब ज्ञान, जीवन का ज्ञान हो गया है, जीवन को जीवन जानने मानने पहचानने निर्वाह करने लग गया, इसका नाम है जीवन ज्ञान। विद्या में दोनों समाये, दर्शन भी समाये, ज्ञान भी समाये। इस ढंग से जो विद्वान जो होता है
विद्वान मानव होता है ना, विद्वता जीवन में होता है, ठीक है, और विद्या अस्तित्व ही है, जीवन ही है, सह अस्तित्व ही है, सह अस्तित्व में जीवन अविभाज्य है। ये बात आपको समझा दिए हैं। इस ढंग से हम जीवन विद्या का परिभाषा को स्वीकार सकते हैं। ऐसे जीवन, सभी जीवन समान हैं, सारे मनुष्य में, जितने भी मनुष्य को हम पाते हैं, बड़े बूढ़े छोटे बड़े कुछ भी, सब में जीवन समान। कैसे समानता की बात आ गई? जीवन, जीवन को समझने की विधि में, प्रमाणित करने की विधि में, जीवन अस्तित्व को समझने की विधि में, प्रमाणित सह अस्तित्व को प्रमाणित करने की विधि में, ये समान है। ये कहीं भी हमारा हाथ पैर नाक कान और मेधस्तंत्र चक्षु तंत्र गल तंत्र हृदय तंत्र, कोई तंत्र में इसकी स्थान नहीं है। इनके इन सभी बातों, सभी स्थलियों को मैंने स्वयं देखा है, इसमें कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं। व्यवस्था किसमें है? जीवन में ही जीवन को समझने की व्यवस्था है, और जीवन ही अस्तित्व को समझने वाला वस्तु है, और दूसरा कोई समझेगा नहीं। ठीक हो गए? इस ढंग से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं, मनुष्य समझदारी को व्यक्त करने के लिए जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में होना जरूरी है। केवल जब शरीर रहेगा तभी भी नहीं होगा, केवल जीवन रहेगा तभी भी नहीं होगा। इनके संयुक्त रूप में ही मनुष्य विद्या को प्रमाणित करेगा, ठीक है, दर्शन और ज्ञान, इन दोनों चीज को प्रमाणित करेगा। प्रमाणित करने का जो केंद्र बिंदु क्या हुआ? व्यवस्था में जीना, व्यवस्था के रूप में जीना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, यही समझदारी का मतलब है। जबकि आप हम सब व्यवस्था में जीना ही चाहते हैं। ये प्रक्रिया जीवन सहज ही है, ये और कोई लादने लदाने और कोई चीज नहीं है, ये बात समझ में आता है। ऐसे जीवन ज्ञान, पहले जीवन ज्ञान की बात, उसके बाद अस्तित्व दर्शन की बात किया जा सकता है, या पहले अस्तित्व को ही समझा जा सकता है, उसके बाद जीवन ज्ञान को समझा जा सकता है, दोनों संभव है। ठीक है?